तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप का गणेश चतुर्थी स्पेशल फोटो एडिट। अगर आप लोग भी चाहते हो इस टाइप का फोटो एडिट करना सीखना तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप लोगों को अच्छे से इस फोटो का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लीजिएगा। और हाँ गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो यूजर आईडी आप लोगों स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी, तो जाइएगा फॉलो कीजिएगा। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इस वाले बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं जितना भी बैकग्राउंड और पीएनजी का यूज करूंगा उसका सारा लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा, तो जाकर के उसको इजी स्टेप में डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों इस वाले बैकग्राउंड को मैंने खुद ही बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट जरूर बनाए रखना। तो फटाफट वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को टूल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर रिसाइज पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को साइज़ देख लेना है। अगर आप लोगों को साइज़ जो 3000 है तो ठीक है, आप लोगों को नीचे रिसाइज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपने मॉडल्स को ऐड करेंगे। तो मॉडल्स का पीएनजी अगर आप लोगों को कटआउट करना नहीं आता है तो आप लोगों ऊपर आई बटन में मैं वीडियो दे दूंगा, तो उसे देख करके आप लोग परफेक्ट तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव करना सीख जाओगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी से पहले से कटआउट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर फटाफट हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि दोनों पीएनजी को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस वाली सिस्टर वाली पीएनजी को इस तरीके से बड़ा करके यहाँ पर एडजस्ट करना है नीचे की ओर। उसके बाद थोड़ा सा हल्का और बड़ा कर लेना है और अच्छे से यहाँ पर पोजीशन दे करके ऐड करना है। और इस वाले पीएनजी को भी आप लोगों को इस तरीके से ऊपर से और नीचे थोड़ा आप लोगों को छोटा रखना है और इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को ऊपर से डन करना है। डन करने के बाद में गाइस अब हम लोग कुछ पीएनजी वगैरह को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक करना है और दो पीएनजी को सबसे पहले ऐड कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने फिर से दो पीएनजी को ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद में आप लोगों को इस तरीके से बड़ा करना है और यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। एंड इस वाली पीएनजी को आप लोगों को पिक करना है एंड इसको भी आप लोगों को बड़ा करके कुछ इस तरीके से इस साइड आप लोगों को एडजस्ट कर देना है एंड ऊपर से कर देना है डन। डन करने के बाद में गाइस ऐड फोटो पर क्लिक करना है और फिर से दो पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो गाइस जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हो कि मैंने फिर से दो पीएनजी को ऐड किया हो, तो सबसे पहले इस वाली पीएनजी को यहां पर रख लेते हैं एंड इस वाली पीएनजी को पिक करते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर लेते हैं एंड इस साइड कॉर्नर में आप लोगों को एडजस्ट करना है कुछ इस तरीके से। एंड फिर से आप लोगों को लेयर्स पर क्लिक करना है, यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना है एंड इसको भी आप लोगों को उस साइड रोटेट करके कुछ इस तरीके से इस साइड एडजस्ट कर देना है। उसके बाद गाइस अब आप लोगों को इस वाली पीएनजी को पिक करना है एंड इस वाली पीएनजी को पिक करने के बाद में रोटेट पर क्लिक करना है और इस तरीके से रोटेट कर लेना है और इसको हल्का सा इस तरीके से छोटा कर लेना है और इसके माथे पर अच्छे से एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद गाइस ऊपर से कर देना है डन। डन करने के बाद में गाइस अब हम लोग करेंगे तिलक पीएनजी को ऐड। तो सबसे पहले ऐड फोटो पर क्लिक करना है और आप लोगों को फिर से दो पीएनजी को भी ऐड करना है। तो यहाँ पर गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि दो पीएनजी को फिर से मैंने ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहले इस वाली पीएनजी को आप लोगों को पिक करना है और इसको इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है ऊपर की ओर एंड इरेजर पर क्लिक करना है एंड इस वाली इरेजर को सेलेक्ट कर लेना है एंड वापस हार्डनेस को आप लोगों को कम रखना है, साइज को भी कम रखना है और इस तरीके से जो आप लोगों का पार्ट पर कलर आ रहा है उसको यहाँ से हटा लेना है एंड इस तरीके से ऊपर की ओर से भी आप लोगों को हटा लेना है कुछ इस तरीके से एंड ऊपर से डन कर देना है। डन करने के बाद में इस वाली पीएनजी को पिक करना है जो कि दोस्तों तिलक पीएनजी आप लोग देख सकते हो। तो इसको आप लोगों को पिक करने के बाद में ब्लाइंड पर क्लिक करना है और इसको मल्टीपल कर देना है और इन दोनों लोगों के माथे पर कुछ इस तरीके से आप लोगों को एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर लेयर्स पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है एंड इस वाली तिलक पीएनजी को भी आप लोगों को इसके माथे पर एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद गाइस आप लोगों को ऊपर से डन कर देना है। डन करने के बाद में गाइस फिर से आप लोगों को दो पीएनजी को ऐड करना है, तो ऐड फोटो पर क्लिक करना है और दो पीएनजी को यहां से भी ऐड कर लेना है। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि फिर से मैंने दो पीएनजी को ऐड किया हुआ है, तो सबसे पहले इस वाली पीएनजी को कर लेना है साइड में एंड इस वाली पीएनजी को पिक करना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर देना है एंड फिर से आप लोगों को इस वाली पीएनजी को पिक करना है और इसको आप लोगों को पूरे से बैकग्राउंड पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है एंड ओपेसिटी आप लोगों को देखने को मिल रही है। ओपेसिटी को आप लोग 40% रख सकते हो या 45% भी रख सकते हो एंड ऊपर से कर देना है डन। डन करने के बाद में गाइस अब हम लोग यहाँ पर ओनली टेक्स्ट पीएनजी बचा हुआ है तो उसको भी ऐड कर लेंगे। तो सिंपली ऐड फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ पर टेक्स्ट पीएनजी को ऐड कर लेना है।
जैसा कि गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि दो टेक्स्ट पीएनजी को मैंने ऐड किया हुआ है, तो इसको आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। एंड इस वाली टेक्स्ट पीएनजी को भी आप लोग यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। आप अपने मुताबिक जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हो वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। एंड ऊपर से कर देना है डन। डन करने के बाद में गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, यहाँ पर हमारा जो फोटो पीएनजी फोटो और बैकग्राउंड का जो ऐड था वो यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, कलर को एडजस्ट, तो यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करना है, एडजस्ट पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आप लोगों को लाइट्स का ऑप्शन देखने को मिला है जिसे ब्राइटनेस बोल सकते हैं, तो इसको आप लोग हल्का से डाउन रखना है। एंड कंट्रास्ट को आप लोगों को बढ़ा देना है 34। एंड सैचुरेशन पर क्लिक करना है, सैचुरेशन को 35 रख देना है। एंड हाईलाइट पर क्लिक करके हाईलाइट को माइनस रख लेना है। शैडो पर क्लिक करके शैडो को बढ़ा लेना है। एंड टेम्प्ट को भी आप लोगों को बढ़ा लेना है कुछ 35। एंड ऊपर से कर देना है डन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, तो इस तरीके से आप फोटो एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर ड्रॉ टूल पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से फोटो को सेव कर लेना है। एंड एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ पर टिक पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो फोटो आप लोग देख सकते हो कंप्लीट एडिट हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को इस फोटो का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया हो। चलिए गाइस मिलते हैं अगली ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, सब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।